हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमिक और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार है, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है इस कोरोना काल में। 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा, बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा, देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले लें श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक वो नीतीश कुमार जी की अंतर आत्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे, जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है?